यस क्लास सिक्स आप स्टार्ट कर लगे हाँ अपनी एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज दे विच असी निकटी करना जिहड़ा वो करना नंबरस का संख्यावां का या राउंडिंग ऑफ करना नंबरस नू। तां सारियां तों पहलां मैं तुहानू ये दसदा कि निकटी करन या राउंडिंग ऑफ हुंदा की आ। तो बेटा यही एक अंदाजा लाना हुंदा कि जिवें मान लो कि असी किसी फंक्शन दे विच जाने आ तां आपां वेखदे आ लोकां दा इकट्ठ, तां उहनूं वेख के आपां अंदाजा लाउने आ वी इत्थे अज 100 बंदे दी गैदरिंग आ। तां उसे तरह ही इह इहनूं निकटीकरण कहा जांदा वी 100 तों 10 वी वध वी हो सकदे आ घट वी हो सकदे आ, तां जस्ट इह एक अंदाजा हुंदा। तां हुण मैथ्स दे विच जिहड़ा असी निकटीकरण करना उहदा की बेस आ उह अज मैं तुहानूं पहलां दसूंगी। तां निकटीकरण आ जिहड़ा आपां तीन तरह दा निकटीकरण करदे आ। पहला हुंदा सारियां तों दहाई दे स्थान तक निकटीकरण, जिहनूं कि असी इंग्लिश दे विच कहिंदे आ राउंड राउंडिंग ऑफ टू नीरेस्ट टेंस। दूजे नंबर ते हुंदा सैकड़े दे स्थान ते, जिथे दहाई आ उत्थे सैकड़ा आ जूगा। ते तीजा हुंदा हजार दे स्थान तक निकटीकरण। ठीक है, तां हजे तुहानूं इन्नी की जरूरत आ, तां पहलां मैं तुहानूं यही दसूंगी। तां जिवें कि कोई भी आपां नंबर लिखदे आ, जिवें मान लो आ कोई मैं नंबर लिख लिया, संख्या लिख ली, तो ये तुसी ये पहला सीख के आए हैं कि ये इकाई का स्थान हुंदा दहाई का ते सैकड़े का। ठीक है, ऐ इंग्लिश दे विच वंस टेंस ते हंड्रड प्लेस हुंदी आ ये। तो हुण जदों असी निकटीकरण करन लगे हैं, जिवें कि मान लो हुण असी दहाई दे स्थान का निकटीकरण करना, तो असी दो अंकों की कोई भी रकम लवेंगे, कोई भी संख्या लवेंगे, जिवें पहला आप लै ली 22। तां इस संख्या का निकटीकरण करने लई मैं आ एक संख्या रेखा ही कह लो बनाई आ, जिदे विच मैं 20 तो लैके 30 तक गिणती लिखी आ। तां राउंडिंग ऑफ असी की करना, जिहड़ी भी संख्या दित्ती आ जिवें हुण 22 आ, तां आपां इहनूं या तां 20 दे नेड़े या 30 दे नेड़े, मतलब कि जिहड़े भी दो इह दहाई दे अंदर आउंदी आ संख्या, जिवें 20 तो लै के 30 दे विचाले विचाले इह आउंदी आ, तां असी उत्थों तक उहदे नेड़े असी दसणा वी इह 20 दे ज़्यादा नेड़े आ या 30 दे ज़्यादा नेड़े आ। ठीक है, तां उहदे लई मैं 20 तो लै के 30 तक देखो संख्या रेखा दे उत्ते अंक आ जिहड़े उह लिख ले। हुण असी इह तरीका ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 22 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 20 ਲਿਖਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿ 30 ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 30 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ 20। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ 20, ਅਤੇ ਜੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ 5 ਆ ਤਾਂ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 30। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 20 ਹੋਊਗਾ। 22 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 20। ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਦਾ, 20। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 27 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ। ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ, 7। ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 27 ਦਾ,
ती, ठीक है, समझ लगी है तुहानू? तां मतलब यह आ वही 21 22 23 24 का निकटीकरण की होगा 20, ते 25 तो लैके 29 तक जो असी निकटीकरण करांगे या राउंडिंग ऑफ करांगे तो उहदा आंसर कितना आऊगा? 30 आऊगा। ठीक है, ये बड़ा ही ईजी है, बस थोड़ा जिहा तुसीं नूं ध्यान दे नाल समझ लो भी असी सिर्फ इकाई वाले अंक नूं ही चैक करना, जिहड़ा भी इकाई वाला अंक आ जे वह 5 तो छोटा तो असी पिछला लै लवांगे, तो जे 5 तो वड्डा तो असी अगले अंक नाल उहनूं निकटीकरण उहदा जिहड़ा करांगे उहनूं राउंडिंग ऑफ करांगे। ठीक है, हुण असी जिहड़ा सैकड़े दे स्थान तक निकटीकरण या राउंडिंग ऑफ टू नीयरेस्ट 100 वह किवें करना हुंदा, तां जिवें असी दहाई दे स्थान ते जदों निकटीकरण करना सी असी इकाई वाला अंक वेख्या सी, हुण जदों असी सैकड़े दे स्थान ते करना तां हुण आपां किहड़ा अंक वेखांगे? दहाई वाला, मतलब कि सैकड़े तो पिछला। जदों असी दहाई वाला किया, दहाई तो पिछला इकाई वाला यानी कि टेंस तो पिछला वनज वाला वेख्या सी, जदों असी 100 ते करना तो उदों असी टेंस प्लेस वाला डिजिट देखांगे। जिवें हुण मैं इहदे विच फिर गिनती लिख ली 200, तो 200 तो शुरू करके हुण ये नहीं भी 201 202 203 ये लिखोगे 10 तक, नो, हुण तुसी लिखोगे 200 तो लैके 300 तक। ठीक है, हुण असी निकटीकरण फिर किवें करना, जिवें कि मान लो कि साढ़े को आ गया 215। ठीक है, आपां हुण इकाई दहाई ते सैकड़ा वंस टेंस ते 100 इत्थे केड़ा तुसी गल केड़ी याद रखनी सी कि असी केड़ा अंक चैक करना? कई बच्चों भुलेखा पैना, उन्होंने इस अंक नू चैक कर लग जाना, बट नहीं, जदों असी सैकड़े दे स्थान तक निकटीकरण करना, जदों राउंडिंग ऑफ टू नीयरेस्ट 100 करना, तो बेटा उदों असी टेंस प्लेस वाला डिजिट उहदे ते तुसी पहले गोला ला लिओ तां कि तुहानू कोई भुलेखा ना पवे, तां तुसी उहनू चैक करना। ठीक है, तां साडा टेंस प्लेस वाला या दहाई वाला डिजिट की आ? 1। तां 1 हुण सानू पता ही आ वी 5 तो छोटा, जे 1 5 तो छोटा तां इहदा की मतलब आ असी निकटीकरण हुण या असी उत्तर 200 लिखणा या 300 लिखणा, कोई भुलेखे वाली गल ही है नहीं। तां हुण इहदा निकटीकरण करके असी उत्तर किन्ना लिखांगे? 200, क्योंकि 1 आ जिहड़ा उह 5 तों छोटा। तो जे यही इहदी जगह ते हुंदा, ये हुण असी 215 दा निकटीकरण किया तां किन्ना आ गया? 200, राउंडिंग ऑफ करके आ गया 200। जे हुण साडे कोले 295 आ गया, मान लो असी फिर लिखिया इत्थे इकाई दहाई सैकड़ा वंस टेंस 100, तां दसो असी किहड़े अंक ते गोला लाउणा? फटाफट दसो, शाबाश। हाँ जी, जदों असी नीरेस्ट 100 करना, सैकड़े दे स्थान ते करना, तां असी कादे ते गोला लाउणा? उहदे तो पिछले ते 9 ते। हुण साडा अगला स्टैप की आ, असी चैक करना भी 9 5 तो छोटा कि वड्डा, तां हुण तुहानू पता ही आ भी जिहड़ा 9 आ उह 5 तो वड्डा, तां आपां इहदा की मतलब हो गया हुण जिहड़ा 295 आ उह किहदे नेड़े आ? 300। ठीक है, तो कहन दा मतलब ये हो गया भी जिहड़ियां रकमां 250 तो छोटियां उन्हां दा निकटीकरण करके उत्तर 200 आऊगा, तो जिहड़ियां रकमां 250 जां 250 तो वड्डियां तो उन्हां दा निकटीकरण करके कितना आऊगा? 300। ठीक है, तो इस तरह कोई भी संख्या होवे, चाहे तुहाडे कोले जे तुहानूं रूल पता होगा तो तुसीं उहदा निकटीकरण भी सही करोगे। ठीक है, तो हुण आपां करदे हां 1000 दे स्थान ते 1000 दे स्थान ते तक निकटीकरण या राउंडिंग ऑफ टू नीयरेस्ट 1000। ये सीखांगे कि 1000 दे स्थान तक निकटीकरण या राउंडिंग ऑफ टू नीयरेस्ट 1000 किवें करना। तो हुण देखो मैं फिर लिख ले नंबर 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 करके 3000, क्योंकि हुण असी 2000 तो लैके 3000 दे विच विच निकटीकरण करना, तो ये साडा सेंटर केड़ा हो गया? 2500। तो हुण असी मान लो कि कोई भी रकम लिखी
2450 लिख लेवें ता हुण पहला सीधे ते लिखांगे इकाई दहाई सैकड़ा ते हजार वंस टेंस हंड्रड ते थाउजेंड जिमें जदों असी दहाई दे स्थान तक निकटीकरण किया सी असी इकाई वाला अंक वेख्या सी जदों असी सैकड़े दे स्थान तक निकटीकरण किया सी उदों असी केड़ा वेख्या सी दहाई वाला अंक तां जदों असी हजार दे स्थान तक निकटीकरण करना राउंडिंग ऑफ टू नीरेस्ट थाउजेंड करना तां उदों असी केड़ा अंक वेखना बेटे सैकड़े वाला ठीक है तो हुण सैकड़े वाला अंक किन्ना चार चैक असी फिर उही करना कि चार किहदे नाल चैक करना असी पंज दे नाल चार जिहड़ा पंज तो छोटा तो इहदा मतलब निकटीकरण किधर नूं होगा इधरले पासे तो 2450 का जिहड़ा हैगा निकटीकरण करके उत्तर किन्ना आऊगा 2000 ठीक है समझ आई है बाकी आ सारियां जीरोज़ बन गई तो निकटीकरण करके 2000 आ गया कि 2450 जिहड़ा वह 2000 दे नेड़े आ पर ऐ जे मान लो साडे कोले मान लो 2750 हुंदा हुण असी इकाई दहाई तो सैकड़ा यानी कि इस अंक नूं चैक करांगे सत्त आ जिहड़ा वह पंज तो वड्डा तो इहदा मतलब हुण असी किहड़े पासे नूं जावांगे 3000 वाले पासे नूं तां इहनूं राउंडिंग ऑफ करके साडा आंसर किन्ना आऊगा 3000 तां हुण मैनूं लगदा कि तुहानूं निकटीकरण दा कंसैप्ट आ जिहड़ा उह क्लीयर हो गया होगा इस वीडियो नूं तुसीं वारी वारी देख के पहला निकटीकरण करना सीखो तो हुण आपां स्टार्ट करदे आं अपनी एक्सरसाइज 1.3।